Today we will discuss about the pellia. Pellia is also from the hepaticopsida, ठीक है? Genus Manialis इसका order है. हमने hepaticopsida में अभी तक जो पढ़ा है वो Rickettsia है, ठीक है? Next is the Marchantia and then the pellia. तो pellia वो ज़्यादा जो है वो hepaticopsida में pellia की और Marchantia की शेप मिलती है. दे आर रिजेंबल वेरी मच विद ईच अदर बट स्लाइटली डिफरेंट रिगार्डिंग देयर स्पोरोफाइट, ठीक है? तो ये पेलिया की स्ट्रक्चर है जो आपको बड़ी प्यारी सी नजर आ रही है. ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखिए पेलिया की स्ट्रक्चर ऐसी. अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर. द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी यू विल नो डिवीजन मार्केंचियोफाइटा, ठीक है? बेसिकली फाइटा ही है मार्केंचियोफाइटा. क्लास जेंगर मेनियोप्सिडा. ऑर्डर पहले हेपेटिकोप्सिडा जो है उसी को लिया जाता था. अब हेपेटिकोप्सिडा के सब क्लासेस जो सी हैं वो बना दी गई हैं क्योंकि ये तीन क्लासेस है ना जो हमने डिस्कस करनी है. हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ठीक है? हेपेटिकोप्सिडा के अंदर यूजुअली मार्केंचिया हम स्टडी करते हैं. मैंने आपको बताया था कि वी विल डिस्कस अबाउट द फोर मेंबर्स लाइक पेलिया पुरेला, रिक्सिया एंड मार्केंचिया. एंड द क्लासेस हेपेटिकोप्सिडा को आगे सब डिवाइड किया हुआ है जिसमें से हेपेटिकोप्सिडा में जंगर मेनियोप्सिडा, ठीक है? कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं क्लासिफिकेशन जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हेपेटिकोप्सिडा को ही सब फॉलो कर रहे हैं. लेकिन अब न्यू जो क्लासिफिकेशन आई है पेलिया और पुरेला को अलहदा से जंगर मेनियोप्सिडा में उसका पूरा अलहदा ऑर्डर ही बना क्लास ही बना दी गई हुई है, ठीक है? तो इसलिए अब हम इसको क्लास को हेपेटिकोप्सिडा की बजाय जिंगर मेनियोप्सिडा के तौर पे भी लेते हैं और ये क्लास जो है ये हेपेटिकोप्सिडा के तौर पे भी पढ़ाई जाती है. आप अगर इधर हेपेटिकोप्सिडा भी लिख देंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है? और ऑर्डर मेटगेरियलिस या जिंगर मेनियलिस भी लिख लेंगे तब भी एक्सेप्टेबल है. फैमिली पेलिएसी. गैमेटोफाइट जो है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर का अगर हम देखें तो थैलाई ऑफ पेलिया आर जनरली फ्लैटेड. सारी जितनी भी हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर हैं दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड. लेकिन नॉट ऑल मेंबर आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड. सम मेंबर आर लीफी, ठीक है? लुकिंग लाइक लीफ एंड ड्रॉपिंग लाइक द पोरेला. द थैलाई ऑफ पेलिया एंड द मार्केंचिया flattened. Rickettsia is also flattened. ठीक है? Thalli of Pellia generally flattened, smooth है, dark green color है, ठीक है? और overlapping जो इसके mats होते हैं, अगर हम इसको हाथ में पकड़ के देखें तो इसके mats thick होते हैं. अगर Marchantia में और Pellia में हमने difference देखना हो, मैं आपको overall बता रही हूँ कि अगर आपने Pellia में Rickettsia में difference देखना हो तो ये जो देखने में आपको नजर आ रहा है ना ये दिस इज द पेलिया. और हम पीछे चलते हैं स्ट्रक्चर पे, ये भी पेलिया ही है. अगर किसी ने पालक को देखा हो, पालक को आप हाथ में पकड़े जब फुली वो पानी शानी उसके ऊपर डाला हुआ है, आप हाथ में पकड़ के देखें वो थोड़ी मोटी मोटी लगती है. इसी तरीके से अगर आप इसको देखें ब्रासिका कंपेस्टर साग को तो वो हाथ में पकड़े तो वो थोड़ा पतला सा आपको लगता है एज कम्पेयर टू पालक. दोनों को अगर हम इकट्ठा पकड़े तो इसका टेक्सचर अगर हम टच करके देखें तो जो पेलिया का है ना वो जस्ट लाइक जैसा पालक का टेक्सचर होता है ना, यानी थोड़ी मोटी मोटी थिक होता है. और जो ब्रासिका कंपेस्टस है उसका थोड़ा एज कम्पेयर टू पालक जो है वो थोड़ा थिन होता है. तो Marchantia का ऐसा होता है. देखने में ये एक दूसरे से इतना रिजेंबल करते हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि ये Marchantia है या ये पेलिया है एक्सेप्ट देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है? आपके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं अब तो आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो या बहुत ज्यादा आप कीनली इन जो लोग इनको देखते हैं वो पहचान जाते हैं. लेकिन जब स्टूडेंट्स को हमने बताना हो तो हम बहुत इजीली ये चीज बताते हैं कि आप हाथ में टेक्सचर पकड़ के देख सकते हैं.
जो पैलिया का टेक्सचर है वो थिक है और मार्केंशिया का टेक्सचर जो है वो थोड़ा थिन है, पतला है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव मैट है ऑफ ओवरलैपिंग लोब्स, ये देखिए ये लोब्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, इसके नीचे ये वाला लोब है, अब इसके नीचे नेक्स्ट लोब है, और ये ऐसे ही सारे लोब्स एक के ऊपर दूसरा, दूसरे जैसे ये है इसके ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, और इसके ऊपर नेक्स्ट फिर कोई और मैट जोन्स है, एक्सटेंसिव मैट जोन्स है वो बना होता है, और एक दूसरे के ऊपर ये सारे ओवरलैप हो जाते हैं। ये भी इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये नियर द वॉटर तो नहीं है, ये पानी तो आपको लग रहा है क्योंकि ये बहुत क्लोज अप है, तस्वीर का पिक्चर बहुत क्लोज है और करीब जो है वह जाहिर है पानी शानी तो मौजूद इनके रहता ही है, जब तक रिप्रोडक्शन इन्होंने करनी है इसके बगैर तो, पानी के बगैर तो ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ये पैलिया की स्ट्रक्चर है, पैलिया नियसियाना कैन यूजुअली बी फाउंड ग्रोइंग ऑन डैम्प, डैम्प किसे कहते हैं, डैम्प मिनरल्स, डैम्प कहते हैं डैम्प प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जो है वो डिटेन कर रहा हो किसी जगह से आके, जैसे डैम्प प्लेसेस हम कहते हैं जैसा कोई कोई आपका वाटर चैनल है उसके पास पानी जो है वो पड़ा हुआ है थोड़ा स्टेगनेंट है एक दो दिन के लिए, और बहुत सारे मिनरल्स को अपने साथ लेकर आता है क्योंकि वो बहता हुआ पानी है ना थोड़ी देर के लिए जब रुकता है तो वो सारे मिनरल्स वहाँ पे जो है वो डैम्प प्लेस के ऊपर सोइल के ऊपर जो है वो रिटेन हो जाते हैं। तो इस शेडेड में वेट साइड्स में अलोंग स्ट्रीम, सॉरी ये स्ट्रीम लिखा हुआ है, स्ट्रीम बैंक्स, लेक शोर्स एंड स्विमिंग एरियाज, ठीक है, इन जगहों पे ये प्रेजेंट होता है, दिस इज देयर हैबिटेट। नेक्स्ट इज द थैलस, व्हेन ब्रांचिंग अकर इन दिस स्पीशीज इट इज टिपिकली इरेगुलर, ठीक है, अगर हम इनकी ब्रांच